डॉक्टर साहब बहुत अभी बाहर रांची वगैरह में रहे हुए हैं, दिल्ली वगैरह में रहे हुए हैं, काफी बढ़िया डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब दिल्ली एम्स में भी थे ना? जी जी। अच्छा एक सवाल और है कि सिवान लोग सिवान ना जाकर के तरवारा में ही क्यों आए, इसका भी कुछ वजह होना चाहिए। तरवारा में अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, सीरियस रोगी होते थे तो सिवान पटना जाना पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ने अपना जो टाइम एम्स में दिया है, फोर्टिस हॉस्पिटल में दिया है, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है यहाँ लोगों को फायदा होगा। हॉस्पिटल के बारे में यही मैं कहूँगा कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। नमस्कार आदाब, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आ चुके हैं तरवारा, यहाँ पे हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह है। और यह हॉस्पिटल है रचित हॉस्पिटल, जो कि बढ़हरिया रोड में स्थित है, बढ़हरिया रोड सागर कॉम्प्लेक्स नियर साकिर बाबा तरवारा बाजार। और ये अभी उद्घाटन समारोह हम आपको दिखाएंगे, उद्घाटन समारोह है। और ये हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं डॉक्टर एस हुसैन, जो कि दिल्ली एम्स में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और दिल्ली एम्स में ये सीनियर कार्डियोलॉजी एंड सीसीएम फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में रह चुके हैं। तो आइए और हम दिखाते हैं आपको कि तरवारा और तरवारा के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जिन चीजों के लिए उनको सिवान और पटना जाना पड़ता था, अब वो चीज तरवारा में उपलब्ध रहेगा। तरवारा में आसानी से यहाँ पे उपलब्ध और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है यहाँ पे। तो आइए हम दिखाते हैं उद्घाटन समारोह और बात करते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या राय है इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के, और ये हॉस्पिटल खुलने के बाद उनका क्या राय है इस हॉस्पिटल के बारे में और ये डॉक्टर साहब के बारे में। तो चलिए दिखाते। अच्छा ये हमारे सामने है सलौर पंचायत के मुखिया श्री संजय सिंह जी। अच्छा संजय सिंह जी, ये बताइए जो हॉस्पिटल जो खुल रहा है, ये तरवारा और तरवारा के आसपास के लोगों के लिए कितना लाभदायक रहेगा? सबसे पहले हमारे यहाँ आपका, हमारे पंचायत में तरवारा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस हॉस्पिटल को खुल जाने से हमारे यहाँ के जितना भी क्षेत्र के नज़दीक के लोग हैं, अपराध हुआ, छानी बसतपुर हुआ, लोकल बॉडी के सब जितने लोग हैं ग्रामवासी, उनको काफ़ी सुविधा होगी। क्योंकि आज के पहले यहाँ पे उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था जो कि कोई इमरजेंसी हो उसमें आके कोई दिखा सके। रोगी को काफ़ी कष्ट होता था, इधर उधर भागना पड़ता था, काफ़ी दिक्कत होता था। इससे तो काफ़ी लाभ मिलेगा, मतलब इमरजेंसी पर्पस से यहाँ आ सकते। जी जी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा है कि नया अभी डॉक्टर साहब बहुत अभी बाहर रचित वगैरह में रहे हुए हैं, दिल्ली वगैरह में रहे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब दिल्ली एम्स में भी थे ना? जी जी, एम्स में भी रहे हुए हैं, उनका कार्यकाल रहा है। और फिर यहाँ के आने से वहाँ की जो व्यवस्था है, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे लोगों को मिल सकेगी, इससे काफी लोगों में खुशी है। अच्छा एक सवाल और है कि सिवान लोग सिवान ना जा करके तरवारा में ही क्यों आए, इसका भी कुछ वजह होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है सिवान की बात है, तो सिवान की अगर व्यवस्था, दिल्ली की व्यवस्था यहाँ पे मिल रहा है लोगों को, तो सिवान और तरवारा में क्या अंतर है? जहाँ जिसको बढ़िया ट्रीटमेंट होगा वहाँ लोग जाएंगे, जिसको सुविधा जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ लोग जाएंगे, यही बात। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और हॉस्पिटल का उद्घाटन बढ़हरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूर्व विधायक माननीय श्री श्याम बहादुर सिंह जी के द्वारा किया गया। ये देख सकते हैं ये पीले टी शर्ट में श्री श्याम बहादुर सिंह जी, और बगल में ये डॉक्टर एस हुसैन, ये एरो मार्क आप देख सकते हैं इसमें। और हॉस्पिटल का में जो पेशेंट के लिए जो वेटिंग हॉल वगैरह बनाया गया है, वो भी उसका भी बहुत अच्छा से ख्याल रखा गया है, उसमें वाशरूम वगैरह बहुत बेहतरीन बनाया गया है। और हॉस्पिटल में हर तरह के फैसिलिटीज का खूब अच्छा से ख्याल रखा गया है, बेहतरीन बनाया गया है इसको। आप इसको एक बार वीडियो में भी देख सकते हैं कि बेहतरीन से इसको डिज़ाइन भी किया गया, अच्छा से बनाया गया। और ये डॉक्टर साहब सामने दिख रहे हैं, डॉक्टर एस हुसैन, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं ये। और ये है हॉस्पिटल का पूरा बिल्डिंग। बढ़हरिया के तरफ से जब आएंगे आप तरवारा, तो तरवारा बाजार। अच्छा ये हमारे सामने है श्री उपेंद्र कुमार सिंह जी, जब बढ़हरिया रोड में आएंगे। ये आदर्श मेडिकल हॉल पचरुखी रोड तरवारा के मालिक हैं, मतलब उनके प्रोपराइटर हैं श्री उपेंद्र कुमार सिंह जी। अच्छा ये बताइए कि तरवारा में ही लोग क्यों आए, और तरवारा में बाकी हॉस्पिटल के कंपेयर में इस हॉस्पिटल का क्या मतलब विशेषता रहेगा,
तरवारा में ही आदमी क्यों आए? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे हॉस्पिटल खुला। तरवारा में रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं थी, जो आज 24 घंटा यहाँ पे रात्रि सेवा उपलब्ध रही। बहुत खुशी की बात है कि अब जो इमरजेंसी जो के थ्रू लोग सिवान और पटना जाया करते थे, अब वो तरवारा में आकर के अपना इलाज करा सकेंगे और तरवारा में उनका बेहतर और उचित इलाज यहाँ पे तरवारा में अब उपलब्ध हो चुका है। तो आइए हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? तरवारा में अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, सीरियस रोगी होते थे तो सिवान पटना जाना पड़ रहा था। अब गरीब वालों का बहुत सुविधा हो गया, यहाँ पर जो रजित हॉस्पिटल है यहाँ दिल्ली से डॉक्टर आए हुए हैं, अब हम लोग को सिवान पटना ही जाना पड़ेगा, उन लोगों का यही व्यवस्था होगी। अब ये हमारे बाबूदीन भाई हैं, ये भी तरवारा मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है सर? आपका देखिए, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है इस हॉस्पिटल का कि हम लोग इतना अच्छा व्यवस्था जो रूरल में दे रहे हैं, तो पेशेंट को कम से कम जो किराया लगता है सिवान जाने में पटना जाने में, तो उसका इलाज इतना में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ने अपना जो टाइम एम्स में जो दिया है, फोर्टिस हॉस्पिटल में जो दिया है, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है यहाँ लोगों को फायदा होगा। प्रेशर का पेशेंट हो गया, हार्ट का पेशेंट हो गया, जिसके लिए कम पैसा में बेहतर इलाज मिल जाएगा, इस तरह का यहाँ व्यवस्था होगा। मतलब ये पब्लिक लोगों के लिए रूरल में बहुत बड़ा फायदा होगा, इससे रूरल में बहुत फायदा होगा। आई पंडित जी से भी थोड़ा पूछ लीजिए। पंडित जी, आपका क्या कहना है हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में यही मैं कहूंगा कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, भगवान का तो बिल्कुल दूसरा रूप होता है। हम यही भगवान से कामना करेंगे कि यहाँ तरवारा में सभी डॉक्टरों से बेहतर यहाँ पर मतलब एथी हो और इलाज हो और सभी लोगों का मतलब कल्याण हो, यही मैं कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोग कुछ बोलेंगे? हॉस्पिटल नया खुला है, इसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है, हॉस्पिटल नया खुला है तो। आप लोग का चाचा, आप क्या बोलेंगे नया हॉस्पिटल खुला है इसके बारे में? नया हॉस्पिटल क्या कहलाइए, हमारा सारा का लड़का। जी जी जी, तो अभी क्या खुशी लग रहा है? खुशी और पहले की बात है, खुशी के बाद तरवारा तरवारा के आस पास के लोगों के लिए बहुत मतलब सुविधा हो। हाँ, बहुत अब सुविधा है और अच्छा डॉक्टर भी, डॉक्टर बहुत बेहतरीन है। आप कुछ बोलेंगे? सर जी बोलेंगे, इनका भतीजा। अच्छा, उनके भतीजे हैं, तरवारा के भतीजा। हाँ, तो अभी ये जो तरवारा में जो हॉस्पिटल ये खुला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत कितना सुविधा रहेगा लोगों के लिए? यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, आसपास गांव के लिए भी अच्छा है। मतलब जो तरवारा के आसपास के लोग जो सिवान जाते थे, अब उनके लिए आसान हो गया, यही आएगा। अब सिवान ना जाके लोग यही पे आएगा, यही पे आएगा। महाराज ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है इनके टक्कर का, महाराज इनके जितने लोग हो सकता है जो यहाँ आते, इनका जो स्वभाव है डॉक्टर का, डॉक्टर की जैसे यहाँ से लेके बड़हरिया तक, बड़हरिया में भी खास उतना ये नहीं है, लेकिन बड़हरिया जब तरवारा से लेके बड़हरिया तक महाराजगंज तक मतलब ये पूरा क्षेत्र कवर कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब इसका प्रॉपर एड्रेस बता दें कि तरवारा के बड़हरिया रोड में ये हॉस्पिटल है, तरवारा के बड़हरिया रोड में। यहाँ से आपको बगल में डॉक्टर लाल पैथ का लैब है और साकिर बाबा का मजार है। बाएं साइड में डॉक्टर लाल पैथ का लैब है और साकिर बाबा का मजार है और राइट साइड में ये हॉस्पिटल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का वीडियो ये कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।